वेलकम टू रोशन सर स्टडी पॉइंट। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संघवाद यानी कि फेडरलिज्म की। होता क्या है फेडरलिज्म, संघवाद होता क्या है? तो संघवाद का मतलब है शक्तियों का बंटवारा जो है वो दो स्तर की सरकारों के बीच में किया जाएगा, केंद्र स्तर की सरकार और राज्य स्तर की सरकार, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो संघीय व्यवस्था है यानी कि जो संघवाद है, ये भी दो प्रकार की हो सकती है। एक में क्या होगा कि बहुत सारे नेशंस यानी कि बहुत सारे राष्ट्र क्या होंगे, एक साथ आ जाएंगे और एक इकाई का गठन करेंगे, यानी कि एक नेशन यानी कि एक देश का गठन करेंगे और उसके बाद शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा। इसका एग्जांपल है यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे क्या है कि जो राज्य सरकार है यानी कि स्टेट गवर्नमेंट है वो ज़्यादा शक्तिशाली है केंद्र सरकार की तुलना में। दूसरी तरफ क्या हुआ, एक बहुत बड़े देश को अनेक छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया। जैसे कि हम भारत की एग्जाम्पल ले सकते हैं, भारत में क्या विविधताएँ बहुत ज़्यादा है ना, अलग अलग धर्म अलग अलग जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो इस कारण इसको क्या किया गया, बहुत सारे राज्यों में बांट दिया गया, स्टेट में बांट दिया गया और उसको वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की स्थापना कर दी गई, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ हमने जो पहली व्यवस्था की बात की, वहाँ पे बहुत सारे जो नेशंस है वो एक साथ आए थे, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि एक ही राष्ट्र को मतलब एक देश को क्या कर रहे, छोटे छोटे भागों में बांट दे रहे हैं विविधता के आधार पर। तो ऐसे व्यवस्था में क्या होता है कि इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों को ही शक्तियाँ दी जाती है, लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली होती है। जैसे कि हम भारत की बात कर लेते हैं, हम स्पेन और बेल्जियम का एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं। कैसे हम बात करते हैं कि ये जो संघीय व्यवस्था है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है, यानी कि जो फेडरल सिस्टम है उसके प्रमुख फीचर्स क्या है। तो यहाँ पे हम सबसे पहला पॉइंट बताएंगे, दो स्तर वाली सरकार है ना, जहाँ भी संघीय व्यवस्था होती है वहाँ पे दो स्तर की सरकार होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। आपको पता है बात, ऊपर ही हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। इसके अलावा हम दूसरा पॉइंट बताएंगे, अलग अलग अधिकार क्षेत्र, यानी कि केंद्र सरकार हो और राज्य सरकार है, दोनों के बीच में शक्तियों का बंटवारा है, एक ही नागरिकों पर शासन तो कर रहे हैं लेकिन कानून बनाने के उनके अपने अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। मान लो कि जैसे मैंने बोला कि अगर हम केंद्र सरकार की, भारत में अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार जो है मान लो कि आर्मी संबंधी जो विषय है उस पर कानून बनाएगी, है ना। दूसरी तरफ पुलिस है, तो पुलिस पे कानून बनाने, उसके संबंधित जितने भी कानून बनेंगे उस पे कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, राज्य सरकार को। तीसरा पॉइंट बताएंगे, संविधान के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा। अब केंद्र स्तर और राज्य स्तर के बीच में जो भी शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा ना, वो संविधान में स्पष्ट रूप से क्या होगा, लिखा होगा कि केंद्र सरकार की क्या पावर है और राज्य सरकार की क्या पावर है, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट हम बताएंगे, मौलिक अधिकारों में बदलाव के लिए दोनों सरकार की सहमति जरूरी है। मतलब हमारे अगर मौलिक अधिकार में कोई भी परिवर्तन लाना है ना, तो केंद्र स्तर की जो सरकार है और राज्य स्तर की सरकार है, दोनों ही सरकारों की सहमति जरूरी है। इसके अलावा इस व्यवस्था में क्या होता है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की जाती है, जो क्या करेंगी, दोनों ही अगर केंद्र स्तर और राज्य स्तर की सरकारों के बीच में कोई भी अनबन हो जाता है ना, अपने शक्ति को लेकर, तो उसको सही तरीके से व्याख्यान करने का जो काम करेगी, मतलब समस्या को सुलझाने का जो काम करेगी, वो न्यायपालिका ही करेगी। इसके अलावा आखिर में हम बात करेंगे, राजस्व के अलग अलग स्रोत है दोनों के लिए, मतलब टैक्स एकत्रित करने के लिए केंद्र सरकार के कुछ अलग स्रोत है और राज्य सरकार के लिए अलग स्रोत है, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, टैक्स एकत्रित कर सकती है। सो ये सारी विशेषताएँ हम किस में बताएंगे, संघीय सरकार की विशेषता में बताएंगे। कैसे हम बात करते हैं भारत की संघीय व्यवस्था की। देखिए, भारत की अगर हम संघीय व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे क्या है, केंद्र स्तर पे केंद्र सरकार का गठन किया गया है, राज्य स्तर पे राज्य सरकार का गठन किया गया है और राज्य से नीचे यानी कि ग्रामीण स्तर की हम बात करें तो गाँव में पंचायत व्यवस्था का गठन किया गया और नगरीय क्षेत्र की हम बात करें तो नगर पालिका का गठन किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में तीन सूचियों के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया गया है। सबसे पहले संघ सूची या इसको हम केंद्र सूची बोलते हैं, इस पे कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। इसमें विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा और प्रतिरक्षा, ये सारे जो विषय है वो संघ सूची में शामिल किए गए हैं। दूसरी तरफ हम राज्य सूची की बात करें तो इस पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। इसमें पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे विषय शामिल किए गए हैं। आखिर में हम बात करें तीसरी सूची की, तो है संवर्ती सूची, जिसमें शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, ये सारे विषय जो है उस संवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं। लेकिन संवर्ती सूची में जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है, लेकिन यहाँ पे भी क्या है, संवर्ती सूची के अधिकांश विषय पे जो कानून बनाती है वो केंद्र सरकार ही बनाती है। केंद्र सरकार को भारत में ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा अगर कहीं इमरजेंसी लागू हो जाता है, यानी कि धारा 352, 356 लागू हो जाए ना, तो उस समय भी क्या होता है कि जो राज्य सूची के जो विषय है उस पर भी कानून बनाने का काम
केंद्र सरकार ही करती है। तो ये सारे पावर्स है केंद्र सरकार के, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हमने कुल मिला के 3 से 4 टॉपिक समझ लिया है। बाकी इस चैप्टर पे एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें हम आगे के जो टॉपिक है उसको समझ लेंगे। तो यार ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को वीडियो को शेयर करना है, आप लोग सपोर्ट करेंगे जब ही मैं आप लोगों के लिए आगे भी इससे बेहतरीन वीडियो बना के ला पाऊंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।